क्या आपको लगता है कि परफेक्ट वर्क को करने के लिए परफेक्ट टाइम का होना जरूरी है? ऐसा क्यों है? परफेक्ट वर्क तो हम कभी भी कर सकते हैं, तो परफेक्ट टाइम का होना क्यों जरूरी है? और यदि है भी, तो परफेक्ट वर्क को हम किस तरह से परफेक्ट टाइम में कर सकते हैं? आइए आज हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैलेंजिंग लाइफ। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। अब बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार उसका अच्छा टाइम चल रहा है इसलिए उसका हो गया, अरे यार उसका लक अच्छा है तो उसने कर लिया है। क्या सही है? ऐसा ही है? मुझे नहीं लगता। देखिए, मेरा मानना है कि अच्छा टाइम और लक उन्हीं लोग को मिलता है जो हार्डवर्क करते हैं। विदाउट हार्डवर्क इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। और मेरा ये भी मानना है कि यार हम सबको कभी भी अच्छे टाइम और लक के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। क्या पता वो कभी आएंगे ही नहीं, है कि नहीं? सो परफेक्ट वर्क को परफेक्ट टाइम के साथ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या चाहिए? क्या वो है? परफेक्ट प्लानिंग। परफेक्ट प्लानिंग एक ऐसा चीज़ है जिसके कारण हम अपना सारा वर्क एक सिस्टमेटिक वे से जल्दी से आप करके दे सकते हैं। तो परफेक्ट प्लानिंग के लिए हमको भी दो चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो क्या है? परफेक्ट शेड्यूलिंग और परफेक्ट वर्क प्लानिंग। अब हम आते हैं परफेक्ट शेड्यूलिंग क्या चीज़ होती है। शेड्यूल मीन्स आपका जो एक दिन का जो स्ट्रक्चर रहेगा, जो टाइम को डिवाइड किया रहता है, क्या हम इस टाइम में ये करेंगे। एक्चुअली ये एक तरह का टाइम मैनेजमेंट है। ओके, जो हम दिन हम सारे जो काम है किस तरह से उसको टाइमली हम अलॉट करते हैं। ओके, उसके बाद आता है वर्क प्लानिंग। वर्क प्लानिंग क्या है कि हम अपना जो काम है जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो मुझे पहला करना है, कौन सा टाइम में करना है, ये सारे चीज़ आती है वर्क प्लानिंग में। तो ये दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें वर्क प्लानिंग में जो हमें हेल्प करती हैं आगे बढ़ने में। इसके बाद हमें आता है स्मार्ट वर्क, जो अभी के समय के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सारी चीज़ें करने के लिए उस छोटे से टाइम में करने के लिए हमें स्मार्ट वर्क का इम्पॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। आप यदि स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि हार्ड वर्क सभी कर रहे हैं पर जो स्मार्ट वर्क करते हैं वो आगे निकलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप UPSC का एग्ज़ाम ही आप ले लीजिए, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट, लाखों में स्टूडेंट अपीयर होते हैं पर निकलते कितने हैं? 800 से 900 जन। क्यों? क्योंकि उन्होंने हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी किया है। आप इसी स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं तो फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें क्या होता है कि यार जो स्टूडेंट है एक साल में नहीं होता है, दो साल में नहीं होता है, तीन साल में होता है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो छोड़ देते हैं कि यार बहुत टफ है। एक्चुअली वो है नहीं, वो जो पढ़ाई उन्होंने की है बाकी लोगों ने भी वही पढ़ाई की है, पर उन्होंने स्मार्ट वर्क के साथ पढ़ाई को कम्प्लीट की है इसलिए वो आगे निकल जाते हैं। पर जो हार्ड वर्क सिर्फ करते रहते हैं वो निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलते हैं, और बहुत कम जन निकलते हैं। तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि स्मार्ट वर्क आपको करना ही है। तो परफेक्ट प्लानिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए? परफेक्ट शेड्यूलिंग, परफेक्ट वर्क प्लानिंग और स्मार्ट वर्क। ये सारे चीज़ आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये सारी चीज़ हमें जानने के बाद हमें क्या रिजल्ट निकल के आती है कि एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ हम एक परफेक्ट वर्क को एक परफेक्ट टाइम के साथ हम कर सकते हैं। और ये एक यूनिवर्सल सत्य है, क्योंकि हम जो भी चीज़ करते हैं एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ ही करते हैं, और ये हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा जरूरी बात होती है। अब देख लीजिएगा कि हम हमारे जो लाइफ में जो भी करते हैं, डेली बेसिस पे भी जो करते हैं, वो पूरा प्लानिंग के साथ ही करते हैं। सुबह को उठकर मुंह धोकर पढ़ना, जो स्टूडेंट है वो पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट वर्कआउट करते हैं तो वो वर्कआउट में जाते हैं, कोई जो है जो पेपर पढ़ते हैं या दूसरे कामों में लग जाते हैं, उसके बाद आता है या कोई काम में जाते हैं तो कोई स्कूल जाते हैं। तो ये सारे हमारे वो प्लानिंग के अंदर ही आता है, क्योंकि एक प्लानिंग हमें एक सिस्टम में रखते हैं और हमें वही सिस्टम में रहकर ही हमको सब कुछ काम करना पड़ता है। तो विदाउट प्लानिंग हम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आपको सही मायने में अच्छी तरह से करना पड़ेगा। आज इसका प्लानिंग जितना अच्छे होगी वो उतना आगे निकल जाएगा। तो प्लानिंग हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पर हमें ध्यान देना जरूरी है।
सो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, तो आइए आपको इसके पीछे का जो राज है मैं आपको बताता हूँ। आपको मालूम ही है कि मैं UPSC का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि मेरा जो शेड्यूल है आपके साथ शेयर करूँ। यदि मेरा शेड्यूल आपको पसंद आए तो आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं। यदि आपके आपको लगा कि शेड्यूल में कुछ चेंजेस जरूरी है तो प्लीज़ आप जाकर कॉमेंट सेक्शन में जाकर बताइए आपका जो शेड्यूल है वो मेरे से शेयर कीजिए, या ये सही है या क्या गलत है, क्योंकि हर सभी का शेड्यूल अलग अलग होता है। तो आप अपना शेड्यूल अपने तरह से बनाइए, पर प्लानिंग अच्छी तरह से करना है आपको। प्लानिंग में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्टडी में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो मेरा चीज़ें हैं ये आप अपने लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके कारण आप अपने लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज का वीडियो में आपको बताया हूँ। मेरे इस वीडियो में आपको, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ आप बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।